करूँगी। मिक्स हो रहा है, मिक्स करती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर मैं 1 से 1.5 टमाटर डाल रही हूँ। इसी तरह बन रहे हैं। मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि पानी डालूंगी तो टमाटरों में बहुत पानी छोड़ देता है, टमाटर वैसे ही पानी छोड़ देता है। तो ये थोड़ी देर पकेगी, ये टॉप कर। तो फ्रेंड, मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई थी, जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जब ये प्याज और टमाटर फ्राई हो रहे हैं तो उसमें हमें आधा टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से फ्लेवर अच्छा आता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को कहते हैं अदरक लहसुन। ऐड हो गया है इसमें मेरा, ये पक रहा है थोड़ी देर। तो गाइस, इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। ये मेरा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ। जब तक ये ठंडा होगा आगे, जब तक मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ठंडा गरम गरम पीसेंगे तो ये हाथ भी जला देगा, नुकसान भी करेगा बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेती हूँ, अच्छे से ठंडा करती हूँ इसको मैं भी पहले। सब इसमें से हम बिल्कुल सब निकाल लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर वो इसमें लगेगा। फ्रेंड, अब इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। ये बात कही है कि आप इसमें काला काला दिख रहा लग रहा है, क्योंकि इसमें इसका मसाला होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है चलने पकने में। अब इसमें ऑयल ऐड करती हूँ मैं। ऑयल ऐड करने के साथ साथ ही इसी में मैं अपना जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो चिकन इसमें मैं डालूँगी। नहीं गाइस, मैंने हमेशा लोग नींबू के बीज फेंक देते हैं, मगर मैं कभी नींबू के बीज नहीं फेंकती, क्योंकि नींबू के बीज ना उसमें जाने से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने बड़े बड़े मौलाना वगैरह सुना कि नींबू के बीज पेट में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बीज ज़्यादा इसमें जाएगा नहीं, मैं रोक लूँगी, मगर ये कि नींबू के साथ इसमें रख लेती। अब इसमें मैं उसे मैरिनेट होने रख देती हूँ। तो मैं इसमें करके इसमें ये लगा रही हूँ, जिससे ये अच्छे से इसमें तैयार हो जाएगा। तो इससे बनाने से इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो ये अच्छे से बनकर रेडी होती है। अदरक में मेरा मसाला ठंडा हो रहा है, प्याज और टमाटर जो मैंने चॉप करे थे उन्हें ठंडे कर रही हूँ। ये ठंडा होते ही मैं इसको पीसूँगी, जब तक ये मेरा तैयार हो रहा है मसाला। यहाँ मैंने सब अपने मसाले रेडी कर रखी हूँ, जैसे होते जाकर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती जाऊँ। ये धीरे धीरे पक रहा है, इसे मैं पकने देती हूँ।
फ्रेंड ये मेरे अच्छी तरह गोश्त गल हो रहा है, फ्राई हो रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। इसे हम बीच बीच में पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा फ्लेवर आ रहा है इसका, तो लग रहा है जैसे फ्राई। और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अब ये मेरा हो गया, इसे हम निकालते हैं। ये हो गया है, अब मैं इसमें आप ये देख रहे होंगे ये मसाला है, ये आप सोच रहे जला नहीं है, जला नहीं है, ये मसाला है। इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करती हूँ अच्छे से, इसमें ऐड करती हूँ। और अब इसमें मैं जो मसाले ने तैयार रखे थे वो इसमें डालती हूँ। मसाले ऐड करती हूँ मैंने, और इसी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, जो हमारे गोश्त में था। इसी बर्तन से पानी लिया, उसमें मैंने कोई और पानी नहीं लिया, जो गोश्त का बचा हुआ पानी था वही लिया। देखिए वो सब मसाला जो दिख रहा था वो सब इसमें ऐड हो गया। अब इसमें जो मैंने प्याज और अदरक लहसुन टमाटर में दाने पीस कर रखे थे वो इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं अपना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे और पकाती हूँ। अभी देखिए अच्छी सी सिल्की सिल्की स्मूदनी सी ग्रेवी बन रही है। ये जो मेरा पानी बचा है ये इसमें ही डाल के इसमें ही मिक्स कर देती हूँ।